ऑल राइट मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा धांसू और कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे अनोखे और अतरंगी गैजेट्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो बस बैठ जाओ आराम से इस वीडियो को लाइक करके। वैक्सीनेशन तो हर एक शहरों में चल रही है, और क्या आपने वैक्सीन लगवाया है मुझे जरूर बताना। वैसे इंजेक्शन से बहुत से लोगों को डर लगता है, जिसका सॉल्यूशन है ये कमाल का बजी मिनी, जिसे अगर आप इंजेक्शन लगवाते हो तो आपको जरा भी पेन नहीं होगा। छोटा सा खिलौना सा दिखने वाला ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है, जिसे अगर आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे क्या आप भी मेरे जैसे हो जिसे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आप जरा इस की होल्डर को, ये बहुत ही ज्यादा अनोखा की होल्डर है जो कि आउल के शेप में बनी होती है, जिसमें जैसे ही की को होल्ड करते हो तो उसी टाइम इस आउल की आईज ओपन हो जाती है, और ये देखकर सच में बहुत अमेजिंग लगता है, जो कि आपके लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है, जिससे कि आप किसी भी कीज को यहाँ पे लटका सकते हो, जिसके बाद उसे ढूंढने में दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कीज को कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इसे चाहो तो चेज कर सकते हो, जिसकी बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे यूज करने के लिए सबसे पहले उसे तोड़ना पड़ता है। तो सोचो, और सोचते सोचते देखते रहो इस वीडियो को। ये एक कलर चेंजिंग वाटर बॉटल है, जिसमें अगर आप पानी डालते हो तो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है। ये स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल आपको हीट विजन देता है, जिससे कि जब आप इसमें ठंडे पानी को डालिएगा तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाती है, और जब आप इसे टच कीजिएगा तो व्हाइट, जिसके वजह से आप अपने बॉटल में रखे वाटर लेवल को चेक कर सकते हैं काफी इजीली। तो कैसा लगा ये वाटर बॉटल मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब जरा मिलिए इंस्टा टी इन्फ्यूजर से, जिसे ओपन करके आप इसमें टी को डालकर अपने कप पे कुछ इस तरीके से होल्ड करके अपने चाय का मजा ले सकते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर टी इन्फ्यूजर कप में बैठकर मजा ले रहे हैं। वैसे आपको चाय पसंद है या कॉफी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे बात की जाए मेरी तो मैं टी को प्रेफर ज्यादा करूंगा। अब जरा मिलिए इस बुक से, हालांकि ये बुक ना ही आप पढ़ सकते हो और ना ही इससे कोई ज्ञान मिलती है, पर हाँ रोशनी जरूर करती है। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके की बुक के बारे में जो कि ओपन करते ही इसकी लाइट जलने लगती है। इसे देखकर सच कहूं तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था, पर भाई साहब ये 2021 है और अभी के टाइम में हर एक चीज पॉसिबल है। ये फोल्डेबल लाइट जो कि 360 डिग्री तक घूम जाती है, जिसे आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं, जो कि वार्म लाइट होती है, अमेज़न पे आपको 1000 रुपए के अंदर में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये भी काफी फनी और मजेदार टॉय है, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ इसे खेलकर मस्ती कर सकते हैं, वो भी इंडोर में, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन में इसके ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन से इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसे आप अपने फ्रेंड के साथ बैटल भी कर सकते हैं, जो टाइम पास के लिए एक बहुत ही सही प्रोडक्ट है, जिसे अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, 1000 रुपए में आपको मिल जाएगी, जिसकी बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कभी कभी तो घर में बैठे बैठे इतने बोर हो जाते हैं कि सोचते हैं आखिर हम करें क्या, तो आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके के गेम को, जो कि आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगी, जिसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक दूसरे को चैलेंज करके खेल सकते हैं कि देखते हैं आखिर कौन इसे खड़ा कर देता है। तो इस तरीके का टॉय बेशक आपकी बोरियत को खत्म करेगा, जो कि आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप भी कंगारू जैसा उछलना चाहते हो तो ऐसे में आप इस बेहतरीन से गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी मदद करेगा कंगारू जैसे उछलने में। ये 3 से 10 फीट तक की ऊंचाइयों तक जाता है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको तो सबसे पहले इसके एयर को टाइट करना होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसके लिए आप किसी भी नॉर्मल से पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आप इससे कूद कूद के वहाँ जा सकते हो जहाँ आपको जाना होगा। ये आपके लिए पूरे तरीके से सेफ और कंफर्टेबल भी हो जाता है। तो कैसा लगा ये गैजेट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप भी कंगारू जैसा उछलना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। वैसे थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, हम लोगों ने 50 के बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे।
ये एक जासूसी करने के लिए गैजेट है, तो अब आपको कोई भी स्पाई हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने छोटे मोटे केस को इस स्पाई गियर से सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपकी डिटेक्टिव माइंड को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, जिससे कि अगर आपकी कोई चीज मिस हो जाती है या फिर कोई पेड, तो आप इसकी मदद से उसे ढूंढ सकते हो। वॉकी टॉकी जैसा दिखने वाला ये गैजेट को आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये एक बहुत ही कमाल का गैजेट है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल सिंथाइजर है, जिसके आगे की तरफ आपको एक टेमाटोन फेस देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने हाथों से जैसे ही आप इसके माउथ को खोलते हो तो बहुत ही वियर्ड सी आवाज निकलता है, जिससे कि आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, लोग इसका इस्तेमाल बड़े बड़े शो में अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू दिखा रहे हैं। अगर आप भी कुछ इस तरीके के टैलेंट को दिखाना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलिए इस सिगरेट से। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल सा दिखने वाला सिगरेट कोई आम सिगरेट नहीं है, ये तो एक खतरनाक वीपन है, जिसे ओपन करने पे पता चलता है कि ये तो एक नाइफ है। कमाल है ना, सिगरेट सा दिखने वाला ये नाइफ बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, जिससे कि आप किसी को भी आराम से घायल कर सकते हो। नॉर्मल ईयरबड यूज करते टाइम उसे गिरने का डर हमेशा बना रहता है, और खासकर तो तब जब हम घर से बाहर हो किसी क्राउड वाली प्लेस पे। तो जरा मिलिए इस 3-in-1 ईयरबड से, जो कि एक ऐसा ईयरबड है जिसे अगर आप चाहे तो नेक कॉर्ड से अटैच्ड कर सकते हैं, जो कि तब आपकी बहुत ही ज्यादा काम आएगा जब आप किसी ऐसी भीड़ वाली जगह पे होंगे जहाँ पे इसे गिरने का डर लगा रहता है, या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते टाइम। और ये कॉर्ड आपके ईयरबड को सिर्फ गिरने से ही नहीं बचाता है, बल्कि आप इसे अपने ईयरबड को अटैच्ड कीजिएगा तो इसके थ्रू उसे चार्ज भी करता है, जो कि 16 आवर तक एक्स्ट्रा बैकअप देता है। और यही नहीं, आप इसे एज अ वॉकी टॉकी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल ईयरबड है, जिसे अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। आयरन मैन को चाहने वालों की आज भी बहुत है, और इंड गेम के बाद तो और भी ज्यादा हो गई, और पर्सनली मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इंक्लूड किया जाए इस अनोखे से गैजेट को, जो कि आयरन मैन की मार्क 47 का हेलमेट है, जिसे अगर आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, जो कि आयरन मैन के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इस हेलमेट में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसके साइड में टच सेंसर लगे होते हैं, जिसे अगर आप इस हेलमेट को ओपन करते हो और जैसे ही आप इसे बंद कीजिएगा तो बंद होते इसकी आईज पे लगी LED लाइट ऑन हो जाती है, जो गजब का फील देता है। और हाँ, इसके लिए आपको पूरे आयरन मैन के सूट को खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इस हेलमेट को ही खरीद सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हेलमेट को देख ही रहे हो तो मिलो इस आर्म से, जिसे पहनने के बाद आपको काफी हद तक आयरन मैन वाली फील आने वाली है। दरअसल ये आयरन मैन के आर्म जैसा होता है हूबहू, जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया था, जहाँ पे कुछ मिलते जुलते फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। वैसे मूवी में दिखाई जाने वाली आर्म जैसा तो फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलेगा, बट हैग स्मिथ नेम के इस बंदे ने कुछ मिलता जुलता आर्म बनाया था, जो कि सूट तक करता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। वैसे ये तो बस हुई आयरन मैन की आर्मर के कुछ पार्ट्स। अगर आप आयरन मैन के सूट को देखना चाहते हो जिसे आप खरीद भी सको, तो मुझे कमेंट कर दो, और अगर ज्यादा कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। अब आखिर में बात कर लेते हैं इस किड्स कैमरा के बारे में, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है, जो काफी क्यूट सा होता है। 1000 रुपीज के अंदर में आने वाली ये बच्चों की कैमरा फोटोज भी क्लिक करता है। जी हाँ, ये कैमरा काफी सही फोटोज क्लिक करता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही सही होती है, क्योंकि इसमें 8 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल जाती है, और सामने की तरफ LCD डिस्प्ले होती है, और इसके फोटोज को आप वाईफाई के थ्रू अपने स्मार्टफोन में भी सेंड कर सकते हो, जिससे अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल से इस क्लिक हुई इमेज को देख सकते हो। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और दोस्त आपको सबसे अच्छी कौन सी गैजेट लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही गैजेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।